तो आज मेरे बैग में क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे लोग ने पूछा है कि आपके बैग में क्या है, ज़रूर दिखाना। तो आज मेरे यहाँ में इतना बड़ा सा बैग में क्या क्या अजीब अजीब सा चीज़ें हैं, तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट इज फर्स्ट माई मॉइस्चराइजर, जो कि मैंने एक ऐसी ट्यूब में रखी है, मुझे बहुत पसंद है ऐसी ट्यूब, क्योंकि इसका लीड देखो इतनू सी होता है। पहले से आज मैं मुँह मॉइस्चराइज नहीं की, मैं कर लेती हूँ। और मेरा स्किन भी काफ़ी ड्राई है, आप सोच रहे हो ये क्या है, मेरे पेन का दाग है और ये निकल नहीं जा रहा है मेरे से, इसे इसके ऊपर से कर लूँगी मॉइस्चराइजर। बट ये बहुत ही टीनी टाइनी सा है। ओ नीचे गिर गई, ओह माय गॉड। अगर थोड़ा सा लगाना हो थोड़ा सा लगाऊंगी, अगर ज़्यादा ज़्यादा लगाऊंगी, अब कड़ा वजह से होता है ना, बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो मैं ऐसे ही लगा लूँगी। दिस इज़ वेरी गुड। तो आपको मैं ये क्यों दिखा रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं कोई तो मेकअप ट्यूटोरियल करनी नहीं हूँ, बट तो ये है मेरे मॉइस्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनसन का है तो जॉनसन। द नेक्स्ट थिंग इज अगेन आई हैव केप्ट इट इन दिस लिक्विड फॉर्म सैनिटाइजर, बहुत ही अच्छी खुशबू है, तो इसको मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं साइड में रख दूँगी, आई लव इट। तो ये नेक्स्ट है मेरी गुरु जी, मेरी अनुकुल जी, ये मेरा गुरु है, तो मुझे भूतिया से बहुत डर लगता है, प्लस ये मेरा गुरु भी है, तो मैं इसको ही रख दी, इसकी फ़ोटो रख दी मैं, मेरा गुरु है तो इसको मैं साइड में रखूँगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज एयरबड्स, और भी ज़्यादा मुझे लगता है, बिकॉज़ कभी कभी मेरे कान दर्द होते हैं, कभी कभी लाइक होता है कान ना, तो मैं नेल्स तो लाइक इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इससे मैं करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एक्चुअली। द नेक्स्ट थिंग इज हुदा ब्यूटी नेल जेल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भी दो चार मेरे बैग में रहेगा शायद, मुझे नहीं पता, बट ये हमेशा मेरे बैग में ज़्यादा रहता है। तो ये है हुदा ब्यूटी का नेल जेल, मुझे ये शाइन करने के लिए लगाते हैं, और मुझे शाइनी नेल्स बहुत पसंद है। मैं उतना भी नेल पॉलिश पहनती नहीं हूँ, बट जब भी पहनती हूँ तब यही पहन लेती हूँ, जब ऑकेशंस रहते हैं बहुत बड़ा बड़ा तब नेल पॉलिश पहनती हूँ, उससे अच्छा तो मैं यही पहन लेती हूँ सारे दिन, रोज़ ही पहनती हूँ जब उठ जाते हैं कभी कभी, बट मेरा नेल्स में उतना भी शाइन नहीं है, तो मैं इससे शाइन लेता हूँ, ठीक है। ओके द नेक्स्ट थिंग इज माय नेल्स, ये कार्ड से बना हुआ नेल्स है, मैं इसको कट कर कार्ड्स जो होते हैं उसको कट करके करके नेल्स की शेप लेके नेल्स बनाती हूँ। इसका एक ग्लू है मेरे पास, वो मेरे बैग में नहीं रहती है, बिकॉज वो कभी कभी गिर जाता है बैग के अंदर, तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब भी देखती हूँ मेरे बैग को तब भी गिर जाता है, तब भी मुझे दिखता है कि सब कुछ गिर गया, तो मैं उसको घर में छोड़ के आ रही हूँ। तो ये है मेरी नेल्स, बहुत ज़्यादा ही है, बहुत सारा नेल्स है, तो मेरा नेल मैं जार में रखती हूँ, ये इतना भर जाएगा कुछ देर बाद और सारे नेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये मैं साइड में रखती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माय लाइफ, मुझे नेल्स से बिना कुछ भी चल नहीं आता, अगर थिंग्स की बात करो और ह्यूमन की बात करो तो माँ ही मेरे सब है, तो सबको पसंद करता है मुझे, मतलब सबको मैं प्यार करती हूँ, बट माँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माँ से बिना मैं नहीं रह सकती, तो माँ तो है ऑब्वियसली। द नेक्स्ट थिंग इज इन माय बैग इज़ अ सैनिटाइजर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पास एक लिक्विड फॉर्म का है, एक जेल फॉर्म का है, मतलब जेल वाली जो सैनिटाइजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पसंद है इससे, तो इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये मेरा फेवरेट सैनिटाइजर है, और ये रहता है टेम्पोररी और परमानेंटली रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ लिप बाम, मुझे लिप बाम बहुत पसंद है, ग्लैमर का एक ऐसा लिप बाम है जो कि टूट गई है, ये देखो टूट रहा है, बट स्टिल आई लाइक इट, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो ये
लाइक स्टिक लिप बाम है, स्टिक लिप बाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको रख देती हूँ साइड पे। मुझे लिप बाम्स बहुत पसंद है। मेरे घर में अगर अब जाओगे वहाँ पे आपको 5 या 10 ऐसा लिप बाम मिल जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम लवर हूँ। ओके द नेक्स्ट थिंग इज अ वेरी मीज, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम वेरी मीज, वेरी मीज ना पॉलिश, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, एक नेल के ऊपर भी किया हुआ है ये देखो। तो ये मेरा फेवरेट तो है नहीं, बट बहुत ही पसंद है मुझे ये कलर, बिकॉज आई लव ब्लूज टाइप ऑफ। ओके द नेक्स्ट थिंग इज लिप ग्लॉस, ये रिमल लॉन्डन का लिप ग्लॉस है, 66 आवर्स रहते हैं हमेशा। तो ये अच्छी वाली डार्क पिंक कलर है, मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा लाइट था, डार्क हो गया, आई डोंट नो व्हाई, बट हो गई है। सो दिस इज माय फेवरेट लिप ग्लॉस, ये बहुत ही पसंद है मुझे, ये काफ़ी सालों से मेरे पास है। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ अ काजल, ये काजल मुझे बड़ा ही पसंद है, बट एक चीज़ इसका देखो, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का है, तो मैं इसको ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। अगर पहनते हैं तो ऐसे गिरते हैं, ऐसे लपट जाते हैं, तो वो वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लपट जाएगा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई लव काजल्स, बट इस टाइप का काजल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा पापा ने मुझे दिया है, इसलिए मैं रख ली, और ना मैं रखती नहीं थी। पापा और मम्मी ने अगर गिफ्ट करे और मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं उसको रख देती हूँ, बिकॉज पापा मम्मी मेरे लिए बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसका गिफ्ट अगर मैं फेंक दूँ तो कैसा लगेगा बताओ? तो पापा ने नहीं, लाइक यू नो दिया है कोई, नहीं मुझे लग रहा है पापा ने, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आप सोच रहे थे कि पसंद है बोलूँगी, बट नहीं है, ये एक ट्रिक किया। ओके द माई 2 PET ब्लेंडर जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, ये मेरे मॉम ने गिफ्ट किया, मेरे सिस्टर ने दिया है। तो ये सारा सॉफ्ट है, मतलब अच्छी है, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज मतलब थोड़ा बहुत हार्ड है, बट इसे ब्लेंड करने के लिए इट्स सुपर डुपर हिट, और ये बहुत ही अच्छा है। ये ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक ये थोड़ा सा लाइक हार्ड है, तो इन दोनों मेरे पास है, तो धो लेंगे। फिर मैं मेरी ब्रशेस है, और इसमें एक ऐसा चीज़ है यहाँ पे, ये लिप लाइनर, और ये यहाँ पे काजल, ये काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें सारी आई ब्रशेस हैं स्टार मार्कर की, तो ये मैं इसको साइड में हटा देता हूँ। आई हैव 2 palettes, 1 फ्रॉम रेवोल्यूशन एंड 1 फ्रॉम पेज कॉस्मेटिक्स। मुझे ये वाला पैलेट ज़्यादा पसंद है, देखो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा ख़त्म कर दी। और ये पैलेट अभी भी थोड़ा बहुत हुआ है ख़त्म, बट आई लाइक दोज। इसमें शिमर ज़्यादा है, इसमें शिमर कम है, मैट ज़्यादा है। तो हैव देम एंड आई हैव मार्कर, कलर साइन करना हो, कुछ भी लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास हमेशा मार्कर और पेन नहीं रहता है। तो माय लैक्मे 925 लिपस्टिक, ये न्यूट कलर का, एकदम पीच न्यूट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक, ये क्रीमी मैट है एक्चुअली, बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज अ वेरी मैट लिपस्टिक, इज फ्रॉम किस ब्यूटी, और इसका कलर जो है पिंकिश टोन का रेड है, और बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं। ये मैंने कब 5 days पहले लगाया था, और ये अभी भी मेरे स्किन में है, मतलब सोचो इतना मैट है, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, वाटरप्रूफ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है माई क्लिप, मुझे बाल ऐसे ऑलवेज नहीं रहते, ऐसे बात के मैं रखती हूँ, बिकॉज इरीटेटिंग लगता है यार, अब बस स्टाइल के लिए मैंने रखी है, बट बोला नाउ आई हैव माई मेडिसिन वाइटामिन सी, बिकॉज हम कोरोना सीजन चल रहा है, और मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, या फिर आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कभी कभार मैं नींबू मोसम्बी का नींबू खाना भूल जाती हूँ, तब ये काम में आता है, बिकॉज इसमें भी यार वाइटामिन सी है।
Okay, next I have my next tomato lipstick. टमेटो रेड लिपस्टिक, ये मुझे पता नहीं ब्लू स्टोन है या फिर कोई है, ये टमेटो टोन है, टमेटो टोन ओके, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रीमी एक्चुअली, बट कुछ देर बाद ये मैट हो जाती है, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाला लिपस्टिक ओके। नेक्स्ट आई हैव दिस बॉक्स, ये मिस्ट्री बॉक्स है, आपको बाद में दिखाऊंगी, इसमें यार कमन चीज़ ही है बट बाद में दिखाऊंगी। एक है मेरी लाइनर बहुत ही बिगड़ गई है और एक लाइनर खरीद लूंगी मैं, और लाइनर बहुत ही बिगड़ गई है उसको छोड़ो। ओ और एक बोला था ना, है ना, एक हुडा ब्यूटी का एनामल जेल जिसको मुझे बताया, दो नेल पॉलिश, ये मेरे मम ने गिफ्ट किया है, सिस्टर ने गिफ्ट किया है, ये मुझे पसंद है, इसका कलर ऑरेंज का है और ये किसका मुझे नहीं पता बट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, आई डो लाइक दोज। ये भी मेरा सिस्टर ने गिफ्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एक्चुअली एसेंस का न्यूज है, न्यूज। देन आई हैव माय मैक मीज लिपस्टिक, बहुत ही पसंद है मुझे, ये पर्पल स्टोन का है, मुझे पर्पल स्टोन पसंद। ओके आई हैव दिस मैक कॉस्मेटिक्स पिंक लिपस्टिक, बहुत पसंद है मैक बिकॉज ये क्रीमी मैट है, अगर होंठ में लगाओगे फिर कुछ देर बाद ही आपको मैट लगेगा, ये बहुत ज़्यादा मैट, तो ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आई हैव दिस हाफ मेडिसिन, छोड़ो उसको। देन आई हैव नेल पॉलिश शीट रिमूवर, ये मेरे मॉम ने दिया है, बहुत ही अच्छी है और ये रियल हेवन का है। देन आई हैव माय पिगमेंट, मैंने खुद बनाया, आपको दिखाने नहीं चाहती, सॉरी। देन आई हैव दिस नाइकास मैट नेल पॉलिश, ये माचा तिरामिसो, माचा तिरामिसो है, बहुत ही अच्छा वाला है, मैं पहन रही हूँ, बहुत अच्छी। देन आई हैव कॉटन्स एज यूजुअल, वन मोर पॉट लिप बाम, ये लॉन्च का है। आई हैव ईयरबड्स एंड टूथपिक्स एंड एवरीथिंग इन इट, ओके ओके नॉट अ बैड। कोई भी अजीब अजीब सी चीज़ अगर मेरे में हो तो उतना भी कुछ अजीब अजीब से नहीं आया। ओके इसका बारी है, इसमें बहुत सारी चीज़ है, पिंस, पिंस मुझे बहुत लगते हैं इसलिए पिंस, रबर बैंड्स, कॉटन्स एंड सेफ्टी पिंस, ठीक है। इसमें आप शायद एक्साइटेड थे कि इसमें क्या है, और अब सोच रहे हो कि यार पागल, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हाँ जी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बस ये बॉक्स है, इसलिए मैंने बाद में दिखाऊंगी बोला था, मुझे भी यार अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बैग में, वो दिखा दूँ क्या, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रख दी है, और या बट दैट्स ग्रेट, तो दिखा दी सब कुछ, तो अब चलो रखते हैं, बाय बाय, लव यू एवरीवन। ऐसा और चीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट डाउन, बाय।